महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी जो दो गठबंधन हैं महाविकास अघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों को लेकर के दोनों तरफ ही पेच फंसा हुआ है। सीटों का विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली में अमित शाह के घर महायुति की बैठक अभी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी छोटी छोटी बैठकें कर सीटों पर हो रहे झगड़े खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अघाड़ी में 85-85-85 ये फॉर्मूला कल तय हो गया, लेकिन अभी भी 33 ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है और एमवीए से अभी सिर्फ 18 बता रही है। दूसरी तरफ महायुति में 150 से ज्यादा सीटों पर पिक्चर क्लियर है, लेकिन 106 सीटों पर विवाद बाकी है जिसे बैठक में सुलझाने की कोशिश जारी है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महायुति की बैठक में अमित शाह ने बागियों पर एक्शन मोड लिया है। अमित शाह ने बैठक में ये निर्देश जारी कर दिया कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। एक तरफ सीट शेयरिंग में कई पेच बाकी है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति जोरों पर है। आदित्य ठाकरे जिन्होंने आज अपना नामांकन किया, उन्होंने दावा किया कि असली शिवसेना उनकी ही है और बाकी जो भाग गए वो डरपोक है, जनता उनको सबक सिखाएगी। पर जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उसको लेकर के दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि सीटों के फेर में अब आप बुरी तरीके से फंस गए। ये डरपोक लोगों को कोई असली नहीं मानता, यही असली शिवसेना है, जो भाग के गए वो डरपोक है, तो यही विकास लेके आगे जाएंगे। एक समय पे वो हमारे गठबंधन में रहते थे तो मातोश्री से टिकटें डिसाइड होकर जाती थी और कितनी सीटों पे लड़ते थे। आज ना मुख्यमंत्री चेहरा बनने के लिए उनको अनुमति दी गई है कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार फैक्शन के द्वारा, ना उनको 100 सीटों से अधिक सीटें दी गई है, 85 सीट पर सिमट गए हैं और कांग्रेस पार्टी भी इंडी अलायंस में कच्चा नींबू बनती जा रही है। देखो सेंचुरी के नज़दीक हम आए हैं, अब 2-4 सिक्सर मार देंगे सेंचुरी हो जाएगी ना, 85 तक पहुंच गए ना, और अभी तक खेल रुका नहीं है, मैच ख़त्म नहीं हुए और एक दिन है मैच, तो जो बचे हुए रन्स है वो निकाल देंगे हम। तीनों पार्टियां जब 85-85 सीटों पर लड़ेगी तो 255 सीटें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा 270 सीट का फैसला हो गया। ये नए प्रकार का गणित था, मतलब कुल मिलाकर 255 सीटों पर अलग अलग 85-85 सीटों पर लड़ने का एक फैसला हुआ है और उसे वो 270 बता रहे हैं, 15 सीटें क्यों छुपा रहे हैं, किसका हित है इसमें, आखिर कौन किसको धोखा देने वाला है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या के बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस आया कि हम 200 के पार जाएंगे। एमबीए हमें कोई चैलेंज नहीं लगता है, महायुति ने जिस तरीके से सभी लोग विश्वास में लेकर फैसले किए हैं, तो दिस पॉइंट लोग कुछ सेटिस्फैक्शन, तीनों पार्टनर मिलकर बेहतरीन कामयाबी लाएंगे और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कई सीएम अभी पैदा हुए हैं जो बनना चाहते हैं और चुनाव के पहले ही सीएम की बात हो रही है, आपस में झगड़े शुरू हुए हैं, हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, 85 का फॉर्मूला तय तो हो गया लेकिन एमवीए में क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है, दिल्ली की मध्यस्थता से क्या महायुति में सीटों का विवाद हल हो पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है इस वक्त कौन आगे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र की रेस में। तो इनसे ना भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे शिवसेना उद्धव गुट के किशोर तिवारी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, इस वक्त जुड़ गए हैं प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के सुशील व्यास जी, साथ ही समीर चौगांकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले आपसे पूछूंगी सुशील व्यास जी कि झगड़ा तो आपके भी गठबंधन में है, आप बार बार कहते हैं कि देखिए ये महायुति जो है एमवीए जो है इनके बीच में तकरार चल रही है, झगड़ा तो आपका भी है ना, इसीलिए दिल्ली दरबार में पहुंच गए। पद्मजा जी ये दिल्ली दरबार कहना ठीक नहीं है, वहां के शीर्षस्थ नेतृत्व तो है, उनके साथ हम बैठने के लिए वहां संयुक्त बैठक कर रहे हैं। अब झगड़ा और संवाद ये दो अलग चीज होता है, महाविकास अघाड़ी का विवाद और झगड़ा जो है
जनता के सामने रोज रोज दिख रहा है, उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, फलाना आदमी आया तो हम सब मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये उनकी तरफ से आया। हमारी तरफ से हमेशा आया सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सीट शेयरिंग कर रहे हैं। 182 सीट का डिक्लेरेशन हो गया, अजीत पवार जी ने पहले लिस्ट जारी कर दी, हमारी पहली लिस्ट जारी हो गई और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई। अब 106 सीट पे डिस्कशन है और जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 20-22 सीटों को छोड़ करके बाकी सीटों पर सहमति बन गई है, बैठक अभी जारी नहीं, है। मैं दिल्ली दरबार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संजय राउत बार बार ये कहते हैं कि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने सारे इंस्ट्रक्शंस दिल्ली दरबार से लेते हैं, महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं था, आप लोग झुक गए। अब वो संजय राउत जी को कौन कितनी गंभीरता से लेता है पद्मजा जी, ये तो पूरा महाराष्ट्र जानता है और देश भी जानता है और आप लोग भी जानते हैं। संजय राउत जी को कुछ कहना है रोज सुबह 9 बजे, इसलिए कहना है, कोई गंभीरता से उनको कोई लेता रहता है नहीं। अब सवाल है, हम जब किसी के दल के साथ गठबंधन में है तो उनके शीर्ष नेता के साथ बैठ करके आपसी सहमति से सीट बंटवारे के बारे में चर्चा करना, ये कोई झुकना नहीं होता है। ठीक है, झुकना नहीं है, लड़ना नहीं है सैयद जवाद, सब कुछ सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है, सब भाईचारे में हो रहा है, झगड़ आप लोग रहे। नहीं नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ जो है वो चुनाव में है और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी के अंदर सहमति लगभग बन चुकी है और बहुत जल्द जो है सीटें भी अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों में कूद कूद के दीवारें झांकने का जो उनका पुराना एक ढर्रा है उससे वो अभी तक बाज नहीं आए। हालांकि महाराष्ट्र की जनता ने एक सबक सिखाया 2024 के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सीखने को तैयार नहीं। लगभग आपको बता दूं, मैंने 2024 के अंदर 4 ज़िले जो हैं विदर्भ के वो खुद जा कर के जो है वहाँ पर देखा था और माहौल जो देखा वो भापने की, चाहे नागपुर हो गया, नागपुर से लगा यवतमहल, यवतमहल के बाद नांदेड़, नांदेड़ के बाद अकोला, 4 डिस्ट्रिक्ट में गया तो भयंकर नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के प्रति थी, भयंकर नाराज़गी लोगों में। और जिस तरीके की सहानुभूति इंडिया गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ थी, और ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ एक बहुत ज़्यादा सिंपैथी महाराष्ट्र के और जो मराठी अस्मिता की बात है उनके साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी को 3 फ्रंट पर लड़ना है, वो लड़ना ये भी है कि आप देखिएगा कि 2019 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, जब गठबंधन में थे, उसके बाद कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा गया और विदर्भ के अंदर लगभग 62 सीटें आती हैं विदर्भ के एरिया के अंदर, और उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी की थी तो कांग्रेस की थी, उम्मीद से भी ज़्यादा। और इस बार जितनी मजबूती के साथ महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है, अंडर करंट जबरदस्त है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जानती भी है। ठीक है, और हम भी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं घर में काम है और घर में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उसका अलायंस लड़ेगा, उससे 2 गुना दुगनी 10 गुना ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ जाएगा। ठीक है, घर का कलेश आपका है तुहिन जी। नमस्ते। नमस्ते पद्मजा जी, सबको नमस्ते। देखिए, जब आप इस तरह से झगड़े करेंगे कि बाहर वालों को शोर आए, बाहर वालों को आवाजें आए, तो कभी कभी झांकने पर हम मजबूर हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले तक आपने देखा है किस प्रकार से नाना पटोले और उद्धव सेना में एक द्वंद छिड़ गया था, एक युद्ध छिड़ गया था, और फिर उसके बाद आज तीनों 85-85-85 सीटों पर राजी हुए हैं। अब आप देखिए तीनों जो है 85 का नंबर तीनों के लिए कितना कम है, पिछली बार जो सीटें इन्होंने लड़ी थी, और ये खुद दिखाता है कि अगाड़ी एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अलायंस है जिसका एक ही मकसद है मोदी जी के खिलाफ रोज बोलना, देश के खिलाफ काम करना। अगर इनमें एक को भी फायदा हुआ होता तो आज स्थिति कुछ और होती। देखिए, अभी पिछले दो तीन हफ्तों में कुछ अजीब और गरीब बयान आए इनके, सुनील केदार इनके एक्स मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि लाडली बहन योजना समाप्त कर देंगे आने के बाद, मेरे ख्याल से उस पर इनको अपना स्टैंड क्लियर करना अभी भी बाकी है। उद्धव ठाकरे अभी भी इंसिस्ट करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वो है, एटलीस्ट सारे उनके प्रवक्ता इंसिस्ट करते हैं उस पर, उद्धव सेना को स्टैंड क्लियर करना बहुत जरूरी है। और बीच बीच में नाना पटोले जो रट लगाते हैं कि डेप्यूटी सीएम तो मुसलमान होगा, ये तीसरा विषय है जिस पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर ये लड़ाई जो है ये आर्थिक 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 समझदारी की और आर्थिक अराजकता की है। आपने देखा है महाराष्ट्र में किस प्रकार से पिछले 3 महीनों में हमने 96,000 करोड़ के जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स लागू किए, लेकिन साथ ही हमने 76,000 का
वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट पे भी काम आरंभ किया हमने, 10,000 करोड़ का जो गढ़चिरौली में एक नया स्टील प्लांट आ रहा है उस पर भी काम आरंभ किया, और साथ ही महाराष्ट्र जो है हमेशा की तरह एफडीआई में 53% ऑफ द टोटल एफडीआई जो देश में आया है FY25 के पहले क्वार्टर में महाराष्ट्र में आया है। तो ये आर्थिक समझदारी और आर्थिक अराजकता के बीच भी लड़ाई होने वाली है। जनता ने हरियाणा में रिजेक्ट किया है लोगों को, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी जनता इनको आर्थिक कहर नहीं फैलाने देगी। ठीक है, जनता आपको हरियाणा जैसा ही एक रिजल्ट देने वाली है। सही जवाब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं एक छोटा सा जो कल 85 वाला फॉर्मूला अनाउंस किया गया था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और बहुत सारे लोगों ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि आपने कहा 85 85 85, यानी कि ज्यादातर हमारी सीटों जो है उन पर सहमति हो गई है, अब बस 18 सीट बाकी है, तो कुछ एड अप हो नहीं रहा है। अगर हम जाकर के वो 85 फॉर्मूला वाला ग्राफिक देखें तो देखिए उसमें कैसे ये अंक गणित बिगड़ा हुआ है। तीन पार्टी में सीट बटी, 85 85 85 यानी कि होती है 255। अब एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ज्यादातर सीटों पे हमने सहमति बना ली है, 270 सीटों पे सहमति हो गई है 288 में से, सिर्फ 18 सीटें बची हैं, पर वापसी में जितनी वास्तव में जितनी सीटों पर सहमति हुई है वो सिर्फ 255 है, यानी कि सिर्फ 18 सीट नहीं बची हुई है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 18 सीटों पर अभी कुछ पेज फंसा हुआ है, पर वास्तव में 33 ऐसी सीटें हैं जिनमें पेज फंसा हुआ है। और साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस लड़ना चाहती थी 100 से ज्यादा सीटें, सिर्फ 85 पे ही क्यों सिमट गई? सही जवाब, देखिए क्या है, अभी जिस फॉर्मूले के ऊपर काम हो रहा है इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो रोकने के लिए काफी है। और मैं तो कह रहा हूं इंडिया तय है और इंडिया विजय है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रही बात। इसीलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ सहमति है। अब देखिए शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर दोबारा ही रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, उधर अजीत दादा पवार को, वो भी उनकी भी इच्छा है, वो भी भयंकर नाराज़ हैं कि मुझे भी बनाओ चीफ मिनिस्टर, मैं भी कुछ वक्त रहना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए फंडवी साहब, हर किसी को दूसरी तरफ की नाराजगी दिखाई दे रही है। अरे आप पता नहीं क्या बात है, आप अपनी ये जो बिगड़ी हुई मैच है उसका भी तो हिसाब दीजिए। हमने अपने, सुनिए सुनिए, 10 सेकंड हिसाब दे दे, सुनिए तो, क्योंकि ये मेरे लफ्ज नहीं थे, 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाजी की बात और उसके बाद चक्की पी सिंह और पी सिंह सदन में, ये किसी जो है महाविकास अघाड़ी ने, उनके समर्थकों ने, ये बात नहीं कि सदन में खुद खड़े होकर फंडवी साहब ने कही थी। हाँ। तो उनके लिए गले की फांस ज्यादा बड़ी है, हमारे घर के अंदर देखने के बजाय अब अपने घर में देखिए। नहीं नहीं, उनके गले में अभी तो भी मैं आपसे कह रहा हूं और कौन कौन सी फांस बनी है वो भी मैं बताऊंगी, पर आप फिर से बताइए ना कि कहां शिवसेना और आप दोनों कह रहे थे हम 100-100 सीटें लड़ेंगे कम से कम, अब 85 पे सिमट गए। कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है ना समीर जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा इन दोनों पार्टी को। देखिए निश्चित रूप से, अगर आप नहीं देखिए कहीं पर भी बात होती है आपसी तालमेल के साथ, अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो आपसी तालमेल के साथ लगा जाएगा। ठीक है, तालमेल जी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में करना पड़ा और कांग्रेस को भी करना पड़ा है। आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था 2024 का, और कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि 13 सीटों पर हम जीते हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम बने, कांग्रेस में टूट नहीं हुई थी, शिवसेना दोस्ती में टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोस्ती में टूटी, उसके बाद भी आप देखिए कि शिवसेना को 85 सीटों पर आना पड़ा है, कांग्रेस को भी 85 सीटों पर आना पड़ा और शरद पवार ही 85 सीटों पर लड़ रहे हैं। मतलब जो कांग्रेस सबसे बेहतर प्रदर्शन करी, जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में टूटी नहीं थी, उसे भी 85 सीटों बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, उद्धव ठाकरे ने तो अपने उम्मीदवार जारी कर दिए, सूची 65 उम्मीदवार की सूची जारी कर चुके हैं, कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार जारी करने की स्थिति के अंदर नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि कांग्रेस और जो शरद उद्धव ठाकरे के बीच जो सीटों का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। और जिस तरीके से संजय राउत और नाना पटोले को लेकर जिस तरीके से एक वाकयुद्ध चला और उसके बाद देखिए कहा गया कि नाना पटोले बैठक में नहीं जाएंगे, उसके बाद बाला साहेब थोरात को बैठक के अंदर भेजा गया, नाना पटोले को बैठक से दूर रखा गया, यह बता रहा है कि किस तरीके से सीटों को लेकर वहां पर अभी खिंचतान चल रही है। अरे नितिन गडकरी साहब हैं इस बार चुनाव में नहीं है तो आप ये मारे, एक सेकंड समीर जी, 30 सीटों के अंदर गडकरी साहब हैं चुनाव में नहीं है, बाकी सीटों तो आप घोषित कर सकते हो ना, 288 की सीटों में तो डिस्कस होगा नहीं,
बीस पच्चीस तीस सीटों पर डिस्प्यूट होगा तो बाकी सीटें जारी करने से कौन रोक रहा है? और अभी तक आप सूची नहीं जारी कर रहे हो, ये बता रहा है कि किस तरीके से इनके बीच में अविश्वास है और सीटों को लेकर सहमति बन पा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जारी कर दी। आपने अच्छी बात बोली, आपने अच्छी बात बोली, समीर जी अगर कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी कहाँ है, क्यों गायब है, तू इनसे ना सके जवाब पूछ रहे हैं। कहा नितिन गडकरी जी गायब है? गायब नहीं है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। सारी बैठकों में उनसे चर्चा हो रही है, एक और कमेटी भी डिसाइड करती है ना, दिल्ली में बैठक हो रही हो तो दिल्ली के अंदर नितिन गडकरी मौजूद है, ये जरूरी नहीं की नितिन गडकरी हर बैठक के अंदर रहे, उन्हें कोऑर्डिनेशन काम दिया, चर्चा हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर आप देखिए देवेंद्र फडणवीस आए, एकनाथ शिंदे आए हुए, अजित पवार आए हुए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। एक एक करके समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, देखिए समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए फिर सही जवाब। देखिए भारतीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हालांकि एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह नहीं भूलना चाहिए कि 40 सीटें लेकर आप आए थे और आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, आपको आपके क्षमताओं से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जिया है। तो एकनाथ शिंदे को आप एक धैर्य रखना चाहिए, यह कोशिश नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई बनकर मैं 11 सीटों पर लड़ूंगा। ये आपने सही बात की है कि वहां पे भी थोड़े थोड़े क्रैक्स तो नजर आ रहे हैं। एक सेकंड इससे पहले कि आप जवाब दें, किशोर तिवारी बहुत पेशेंटली निकलता है, बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं, खोखा जा रहा है। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले संजय राउत ने बोला था कि मेरे को महाराष्ट्र के लोगों से बात ही नहीं करनी, मैं अब दिल्ली की लीडरशिप से बात करूंगा। पार्टी का या फिर जो है, क्या फायदा हुआ बात करके? 85-85-85 हो गया, तीनों को सेम मिला, आपको तो 100+ सीटें मिलनी चाहिए थी। किशोर तिवारी जी, अब देखो पदमजा, हम एक है और एक होके चुनाव लड़ेंगे और अब हम चुनाव के मूड में चले गए, तुम कितना भी झगड़ा लगाओ, हमको झगड़ा वगड़ा नहीं लगने वाला है। अब बाटली टिकटें हमने बराबर, और इतना नहीं, मैं आज बंबई में हूँ, उम्मीदवार भी हमें एक्सचेंज कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हमें बीजेपी को रोकना है, हमें बीजेपी को नहीं रोकना है, महाराष्ट्र को बचाना है। और समीर कह रहे थे नितिन गडकरी कहाँ है या वो कह रहे थे, मैं बताता हूँ, नितिन गडकरी भी इस तानाशाही से तंग आ चुके हैं, वो महाविकास आघाड़ी के लिए माहौल बना रहे। कितनी बात, क्या बात है, बता रहा हूँ, हर किसी को पता है कि दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है, अपनी अपनी सीटों के बंटवारे का नहीं पता है। तू इनसे ना बताइए, किशोर जी और सैयद जवाद दोनों को अंदर खाने की खबर आ गई। नितिन गडकरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अरे नितिन गडकरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, और नितिन गडकरी ने बोला है लड़की बहना नहीं चलेगी, वहां पे मत जाइए। तू इनसे ना, देखिए 2018 से ये लोग वही मुझे मुझे बोलने दे रिपोर्ट प्ले कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, तू इनसे ना, इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की पूरे शो में, ठीक है किशोर जी अपना बात पूरी की शो में, ये बीच में बोल रहे, ठीक है नहीं बीच में नहीं बोल रहे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। किशोर तिवारी बात पूरी कीजिए, हाँ 85 पे समझौता क्यों किशोर जी? अपचन नहीं होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ देखो तू ही, मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, सम्मान के साथ हुआ है, सब एक तरीके भाई है, हमने कोई बड़ा छोटा नहीं रखा है। और एक बात मैं बताता हूँ, आपने गद्दारों को टिकट दे दी, अब अमित शाह क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे अजीत पवार को कि भैया तुम्हारे जितने गद्दार आए थे उनको दे दी, बची हुई सीटें बीजेपी तय करे। अब कैसा हो गया कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें मुझे बताइए अमित शाह तय कर रहे, इसको मत खड़ा रखो, उसको मत खड़ा रखो। अरे तुम्हारे झगड़े तुमसे सवर नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं 160? मैं उत्तर देता हूं, हम तो सब समान बात के ठीक है, जवाब दीजिए तू इनसे ना। मैं यही शुरुआत में सुशील व्यास से भी पूछ रही थी कि जो बार बार दिल्ली दरबार का जिक्र होता है, अब शिवसेना यही कहेगी, उद्धव ठाकरे यही कहेंगे महाराष्ट्र के लोगों के सामने कि देखो ये राज्य को दिल्ली चला रहा है तू इनसे ना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी। देखिए एक तो सबसे पहले ये जो हमेशा की तरह ये लोग 2018 से पिछले 6 साल से घिस पिट के जो है नितिन गडकरी जी का नाम ले आते हैं। अरे नितिन गडकरी जी ने जो जवाब राजदीप सरदेसाई को दिया है वो सबको सुन लेना चाहिए, वो आज एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर है और उनको स्टेट की राजनीति से इस वक्त कोई वास्ता नहीं है, तो जबरदस्ती जो है आप उनका नाम घसीटना बंद कीजिए।
दूसरी बात, मैं पिछले हफ्ते भी किशोर तिवारी जी के साथ एक दूसरे शो पे था। मैंने उस शो में कम से कम 3 बार कहा होगा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री पद का महत्व नहीं है, हमारे लिए दायित्व महत्वपूर्ण होता है। और हमने देखा है, आपने देखा है किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले 2.5 साल में डिप्टी सीएम रहकर देवेंद्र फडणवीस जी ने पिछले 2.5 सालों में डिप्टी सीएम रह के भी डिलीवर किया है। क्या कोई कमी आई उनके काम में? नहीं आई। लेकिन उसी शो पर 3 बार किशोर तिवारी जी ने कहा कि उनके लिए मुख्यमंत्री पद बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, और उद्धव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आज जब सीटों का बंटवारा हो गया और तीनों को 85 सीट मिली है, ये आपको भी पता है पद्मजा जी, इनका स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस से कम रहने वाला है। ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तब क्या करेंगे ये? तब क्या फिर से वापस ये वॉकआउट कर जाएंगे? किशोर तिवारी, हाँ देखो, तू ही अब चुनाव के मूड में चले गए। अब हमारे में झगड़े वगड़े नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अरे भैया तुम रुको। मैं अभी बता रहा हूँ, चुनाव के मूड में होते हैं, झगड़ा लगाओ। हम अब इलेक्शन के मूड में चले गए, हमको महाराष्ट्र बचाने की पड़ी है। और आप शिंदे को 50 सीटें देकर, अरे शिंदे को 50 सीटें देकर और वो 50 में से गद्दार रहने से सभी गिर जाएंगे, तो बिगर सीटों से शिंदे को कैसा बनाओगे? अरे कुछ तो भी बोलते हो आप, ऑक्टोपस हो, छोटी पार्टियों को खा लेते हो करके तो हम भाग के आपसे निकले। और महाराष्ट्र में जो गुजरात में सारे उद्योग चले जा रहे पदमजा, और यहाँ पे अडानी का साम्राज्य बस रहा। अच्छा, हम डरे हुए हैं। अच्छा, अभी अडानी को छोड़ देते हैं क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सभी चीज बड़ी खबर आ रही है। और वही बात जो आज मीटिंग में महायुति की, जिसका जिक्र किया गया था कि कोई भी निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए, कोई भी बगावत नहीं होनी चाहिए। और अभी खबर आ रही है कि छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल ने पार्टी से बगावत की है, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पर्चा भरेंगे। समीर भुजबल ने एनसीपी अजीत गुट के मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा अपना दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। गांव मनमाड़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप मानेंगे, और महायुति में शायद ज्यादा होने वाली है, होने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें छगन भुजबल की सहमति होगी। ऐसा नहीं कि समीर भुजबल ने छोड़ा है तो छगन भुजबल के नॉलेज भी नहीं होगा, यह सहमति भी नहीं होगी। और इसी तरह की सहमति आप देखिए, नवी मुंबई में गणेश नाइक को टिकट दिया गया, उनके बेटे संजीव नाइक को टिकट नहीं दिया, संजीव नाइक दूसरी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो इस तरीके से होने वाला है। नारायण राणे के बेटे को टिकट नहीं मिला, नारायण राणे के एक बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, दूसरे बेटे नारायण राणे के एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, अब एकनाथ शिंदे से पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो हो एक बात, मैं बोलता हूं समीर जाके टिकट। अरे आप दोनों क्यों हैकल कर रहे हैं उनको, अपनी बात पूरी कीजिए समीर। तो ये होगा, नारायण राणे के साथ भी हुआ ना, एक बेटे को टिकट मिला, दूसरे को नहीं मिला, दूसरी पार्टी में चले गए। तो महायुति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जिस राजनीति पर काम कर रहे, अमित शाह जी ने एकनाथ शिंदे को संदेश दिया है, एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेज करने की स्थिति में है। वो ये कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीते जिससे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, और वह निर्दलीय खड़े करेंगे एकनाथ शिंदे, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज्यादा सीटों बनाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की रहेगी। अमित शाह जी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस तरह की गतिविधि पार्टी के अंदर। जी, मैं बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं। हाँ बताइए किशोर जी, आपको हमेशा बहुत एक्सक्लूसिव खबरें रहती है, ब्रेकिंग फेक न्यूज़। अरे भैया, मैं 40 साल से सब पार्टियों में बताइए किशोर जी, तो मुझे सबके मालूम रहते। 150 सीटों पे अजीत पवार लड़ने जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे 162 सीटों पे पैसे पहुंचा दिए हैं। अच्छा, चलिए सुशील व्यास बता दीजिए, आपको टीवी में पता चल रहा है कि 162 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ने वाली है। किशोर तिवारी जी का एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज है ये। पद्मजा जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़ने वाली है, उन्होंने ये कहा कि पैसे पहुंचा दिए। अब पैसे पहुंचा रहे तो लड़ेंगे भी ना? नहीं नहीं, वो ये उनका नैरेटिव है, ये जो पिछले 2-3 दिन से नैरेटिव महाराष्ट्र में। अरे पकड़े भी जा रहे हैं पैसे। वो मैं बता रहा हूँ किशोर जी, मैं उसी पे आने जा रहा हूँ। वो आप जो पकड़े जा रहे हैं, जिस बात पे बात कर रहे हो, पर वो 15 करोड़ रुपया क्या हुआ आपको पता है? नहीं, देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला तिवारी जी, आप बड़े भाई है, दूसरे सुनने की भी क्षमता रखिए, है ना?
और जो जिस उम्मीदवार को लेके बात कर रहे हैं वो 250 किलोमीटर दूर वहां से बड़ा ही भाई जो, जो जिसकी गाड़ी अरे है आप पूरे पैसे खा जा रहे मैं बड़ा भाई भूखा रह रहा हूँ बताइए सुशील व्यास जी अरे पैसे पूरे आप खा जा रहे मैं बार बार आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि आपको जा करके टिकटों के लिए भी दिल्ली में या बीजेपी से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ते हैं पद्मजा जी अगर तीन दल आपस में बैठ करके कोई फैसला लेवे तो उसको कहां जा करके बैठना ये लोग 5-स्टार होटलों में बैठ के कर रहे हैं मुंबई में आज आज कोई ट्राइडे में बैठ रहा है कल कोई दूसरी होटल में बैठ रहा है तो जहां सुविधाजनक उनको लगा वो बैठ रहे हैं जहां हमको सुविधाजनक लगा हम बैठ रहे हैं लेकिन कहीं भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं है स्वार्थपूर्ण तरीके से महायुति में सीटों का बंटवारा हो रहा है अमित शाह ने कहा कि नहीं कहा आप थे क्या एक बात बताइए सुशील जी अमित शाह ने यह बताया या नहीं बताया अरे मैं बता रहा हूं ना आप थे क्या वहां अमित शाह जानकारी के बोला या नहीं बोला कि क्या बोला अरे हमारी पार्टी का पूरा है तुम्हारी पार्टी का बता रहा हूँ अमित शाह ने यह बोला ईडी सीबीआई किशोर तिवारी जी ने सस्पेंस बना दिया उन्होंने कहा ये बोला फिर रुक गए एक सेकंड पर वापस इसको वापस ट्रैक पर लाते हैं अभी महायुति की अगर जो सिचुएशन हम देख ले कितनी सीटों की उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और कितनी सीटों पर हर पार्टी लड़ना चाहती है क्योंकि आप याद रखिए कि यहां पर 106 सीटें हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है महायुति में तो हर एक पार्टी के अगर आप सिचुएशन देखे तो 99 सीटों की लिस्ट बीजेपी में जारी हो गई है पर डिमांड है 150 से 155 सीटों की अगर शिंदे सेना की बात कर ले तो वो लड़ना चाहते हैं उनको अभी 45 उन्होंने ऐलान किया है और इसका करीब करीब डबल यानी कि 70 से 80 सीटों की उनकी डिमांड है 70 से 80 सीटें वो लड़ना चाहते हैं और अगर अजीत पवार की बात कर ले तो 38 सीटों का ऐलान अभी हुआ है पर 52 से 55 सीटें वो लड़ना चाहते हैं और जब इतनी सारी सीटें समीर जी बीच में हुई है तो बगावत की और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जी एक लाइन जोड़ देता हूं इसके अंदर एक नाथ शिंदे की जो आप सीटें दिखा रहे हो कि 70 सीटों पे लड़ना चाहते हैं एक नाथ शिंदे तो 100 सीटों पे लड़ना चाहते हैं इसीलिए तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है एक नाथ शिंदे ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि अभी तक गठबंधन नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा एक नाथ शिंदे से कि सिर्फ सीटें हारने के लिए नहीं दी जा सकती आप कैंडिडेट बताइए आपके पास कौन है कैंडिडेट नहीं लेकिन आपको सीटें चाहिए मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 70 सीटों को ऑफर दिया है कि आप 65-70 सीटों पर चुनाव लड़िए वह उससे ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं और यही कारण रहा है कि सीटों का अभी तक नहीं अच्छा बोल रहे अजीत पवार को मालूम है कि 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अच्छा अजीत पवार के संग दिक्कत नहीं है एक नाथ शिंदे 100 सीटों पर अड़े हुए कि मैं 100 सीटें लूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें रूलिंग सीटें वो भी एक नाथ शिंदे दावा कर रहे हैं यही कारण रहा कि अमित शाह को दिल्ली बुलाना पड़ा अमित शाह आप समझा रहे कि यह हो नहीं सकता जब 40 विधायक लेकर आते हो आप और हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एक सेकंड देखिए शिवसेना बीजेपी ऐसा है जो सैयद जवाद और किशोर तिवारी कितने खुश हो रहे हैं सैयद जवाद अरे बेचारे को जेल में डालने की बड़ा सवाल ये है किशोर जी सबको ये जो सत्ता का भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियां तोड़ तोड़ करके ये जो सत्ता का बंटरबांट करा है उस बंटरबांट से जो है महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है करप्शन जिस तरीके का महाराष्ट्र के अंदर है उससे जो है जनता त्राहिमाम हो चुकी है और महाराष्ट्र का महाविकास अगाड़ी करने जा रही है यह बात समझना चाहिए और जनता समझ चुकी है लेकिन आपसी बंटरवाद में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो महाराष्ट्र की जनता को हो रहा है आप तो एकदम विक्ट्री स्पीच देने लगे सैयद जवाद ये तो बताइए यूपी से लेके महाराष्ट्र तक आप इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं करके भागे और उस लैला ने आपको धोखा दे दिया है सर आप तो एकदम ही ऐसे बोल रहे से सरकार आपकी बनी गई पर आप ये नहीं बता रहे कि यूपी में आप सारे जो है एसपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं यहाँ पर आप सिर्फ 85 सीटों पर सिमट गए हैं कॉम्प्रोमाइज तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं लड़ रही है 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ रहा है अच्छा यही स्ट्रेटेजी है यही फार्मूला लगाया था स्ट्रेटेजी या मजबूरी है जो फार्मूला महाराष्ट्र में लगा जो फार्मूला यूपी में लगा वो कामयाब साबित हुआ है अच्छा देखिए दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है ठीक है तुहिन सेना उनकी स्ट्रेटेजी हम लोग चैनल आपकी बगावत ना बताने लगेंगे उनके खेमे की स्ट्रेटेजी है आपके खेमे में बगावत है तुहिन सेना हर बार जो है इनको लास्ट में जो है बीजेपी चकमा देती है
जिस प्रकार से झारखंड में जिस निपुणता के साथ हमारी सीट शेयरिंग हुई है, अगले दो दिन में उसी निपुणता के साथ हमारी सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट महाराष्ट्र में भी हो जाएगी। लेकिन इनकी आर्ग्यूमेंट इतनी फ्लॉड रहती है, अचानक बीच में वो कहते हैं कि कर्ज इतना बढ़ा हुआ है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में आपका तंत्र और तांत्रिक सिस्टम काम नहीं करेगा, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील का तांत्रिक सिस्टम काम नहीं करेगा महाराष्ट्र के, जैसा कि आपका जो है अंदर नहीं होने वाला, बार बार महाराष्ट्र के अंदर नहीं होने वाला है। आपको मौका दिया सैयद जवाहर, होने वाला है ये, क्या बीच में अर्बन नक्सल की तरह घुस जाते हैं। जी जी जी, एक एक करके तू इनसे कह रहा हूँ अगले दो दिन में ये कहां बीच में आप लिंचिंग करने लगते हैं लिंचिंग वालों को, बार बार ये जो बीच में महाराष्ट्र का कर्ज इतना बढ़ गया, इनको ये समझ नहीं है कि महाराष्ट्र जैसे। एक बात पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है किशोर जी, आ रही मुझे बोलने देना, ठीक है किशोर जी, एक सेकंड। कारण नहीं हो सकता है क्योंकि कर्ज का जो रेशियो है जीडीपी की तुलना में वो बिल्कुल नियंत्रित है, तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, अगर ये लोग आ गए तो महाराष्ट्र का भी वही हाल होगा जो हिमाचल का हुआ है, जो कर्नाटक का हुआ है, जो तेलंगाना का हुआ है, और इसलिए जनता इनको रिजेक्ट करेगी। ठीक है, सरकार जब बनेगी तो बनेगी, अभी तो टिकट बंटवारे में ही आपकी इतनी सरदर्दी है। मैंने जैसे कि अभी ब्रेकिंग न्यूज दी कि छगन भुजबल के भतीजे, उन्होंने अभी से अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। देखिए पद्मजा, और ये जबकि 106 सीटें बाकी हैं। तो इनसे आपने हमेशा देखा होगा कि बीजेपी जो है थोड़ा सा टुवर्ड्स दी एंड पीक करती है, जब ये लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, जब इनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो लास्ट के 7 या 10 दिन में हरियाणा का भी खेल मात्र लास्ट के 7 या 10 दिन में बदला है, और इसीलिए ये लोग जो है अपने आप को एग्जॉस्ट करने वाले हैं। अगले एक हफ्ते में जब हम आपकी डिबेट में होंगे तो आप पाएंगे कि ये कहीं है ही नहीं है दूर दूर तक मैदान। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जो बैठक चल रही थी अमित शाह के घर पे वो अभी अभी खत्म हो गई है, 3 घंटे से बैठक चल रही थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि महाराष्ट्र में महायुति एक साझा घोषणा पत्र जारी करेगी, वो मीटिंग अभी खत्म हुई है। क्या निकल करके आया मीटिंग में, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या टिकट पे कोई सहमति बनी है, वो हम खबर आपके पास लेकर आएंगे। जी किशोर जी, नहीं एक बात मैं बताता हूं, तुहीन ये बहुत बराबर बात कर रहे थे कि आखिरी में पिकअप करते, आखिरी में पिकअप करते यानी क्या करते, पैसे की बारिश करते और क्या है। हरियाणा में ये बताते, हरियाणा में पैसे की बारिश की हमने, इनका माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अरे रुको, तुम रुको, मैं बीच में नहीं बोला, अब तुम ऐसे घबरा जाते हो जब मैं सत्य बोलता हूं। सैयद तुमने एक बात बोली, 8 लाख करोड़ का कर्जा किया है, मैं एक बात बताता हूं, सैयद ने गलत बताया, 8,82,000 करोड़ का कर्जा कर लिया, और जब इनको कांग्रेस ने सत्ता दी थी तो 46,000 करोड़ का कर्जा था। और अब क्या हो रहा है बताता हूं मैं तुमको, अगर अगले 5 साल में आ गए तो मैं बताता हूं ये 25 लाख करोड़ के कर्जे में महाराष्ट्र को डुबा देंगे, अडानी को पूरा महाराष्ट्र बेच देंगे। मैं बहुत डर रहा हूं ये गामा वायरस से, बहुत डर रहा हूं। गामा वायरस बोले तो गौतम अडानी मुकेश अंबानी वायरस, और गुजरात लॉबी, और एक माहौल बन गया है तुहीन, गुजरात लॉबी के खिलाफ महाराष्ट्र बचाओ, और महाराष्ट्र बचाओ में तुहीन सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को होने वाली है, इसके लिए बच के रहो। बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई कहां जाएगा नहीं, ये नहीं, किस प्रकार आपके नेता तो रोते हैं यहाँ, किस प्रकार से आपके शो में किसी एक राज्य के खिलाफ ही लोगों को भड़का रहे हैं, यही विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये आज किशोर तिवारी जी ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी के सही शिष्य है, वही विभाजनकारी मानसिकता वो भी आगे बढ़ाते हैं जो राहुल गांधी बढ़ाते हैं। किस प्रकार से गुजरातियों को अपमान कर, अरे कटेंगे कटेंगे तो बटेंगे किसने बोला, बटेंगे तो कटेंगे किसने बोला, अरे ये सब आपके बंदे, मैं तो सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। तो आप बांट, अरे इतने देखो 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चले गए, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चले गए, सारा बंबई अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, कोस्टल पोर्ट दे दिए, कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी गामा वायरस को एक तरफ छोड़ते हैं, पर ये बता दीजिए कि अभी एनसीपी से पोर्ट दे दिया अडानी को, एनसीपी एयरपोर्ट दे दिया, सर पोर्ट तो केरला की सरकार ने भी दिया अडानी को, और तेलंगाना में भी उनके साथ 100 करोड़ रुपए दिए हैं अडानी जी ने, 100 करोड़ रुपए, और वहां पे उनकी सारी डीलिंग जो है बंगाल से लेके केरला से लेके तेलंगाना में हो रही है। तो ये गामा वायरस को एक तरफ रखते हैं, अभी टिकटॉक की बात कर लेते हैं। सुशील व्यास जी, एनसीपी
बीजेपी के खेमे से खबर आ गई है, एक बगावत तो हो गई वहां पे। आप टीवी पर ये गारंटी तो दे सकते हैं ना कि 5-6 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपके खेमे से नहीं आने वाली है? पद्मजया जी, आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना हमारी है वो बिल्कुल ही एक अनुशासन प्रिय दल के रूप में है, और जो शिंदे जी फैसला लेंगे उसके खिलाफ एक भी व्यक्ति उम्मीदवारी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तिवारी जी आप। अरे झूठ बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, झूठ और सच का फैसला आप नहीं करेंगे ना? वो तो शिंदे जी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है और जो वो फैसला लेंगे वो अंतिम फैसला है, जनता करेगी। आपने बराबर बोला, जनता करने वाली है, जनता करने वाली है। किशोर भाई लिख लेना 23 नवंबर, जनता करने वाली है। आपने ठीक बोला, 23 नवंबर की शाम को मैं फिर TV9 के शो पे आऊंगा और आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार हम सरकार बनाएंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है, घमंड नहीं है, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है, मेरी शुभकामनाएं काम किए हैं, मेरी शुभकामनाएं योजना हम लाए। रोना मत भैया, रोना मत, बुजुर्गों के लिए भैया, देवेंद्र फडणवीस रोहित भैया, रोना मत। आप मेरी शुभकामनाएं आइएगा, मेरी शुभकामनाएं, इतना बड़ा दिल है। अरे मेरी शुभकामनाएं, इतना बड़ा दिल है, मेरी शुभकामनाएं, इतना बड़ा दिल है। चलिए कम से कम एकनाथ जी सिंधे, अरे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। देवेंद्र फडणवीस बहुत रोए थे। अच्छा ठीक है, कम से कम सुशील व्यास जी ने अपनी तरफ से गारंटी तो दे दी है आपको शुभकामनाएं। एकनाथ शिंदे का कैंप जो है वो एकजुट रहेगा, वो महायुति के अंदर ही रहेगा। अमित शाह के घर चल रही बैठक, जैसे कि मैंने बताया, अब वो खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली ये बैठक, क्या इसमें फैसले हुए हैं? आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद, देखिए 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जो युति के जो बाकी दलों के नेता थे वो मौजूद थे। एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील टटकरे मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। और 23 से 24 सीटें जो है जिन पे पेश फंसा हुआ था, ये वैसी सीटें थी जिस पे तीनों ही दल दावा कर रहे थे। अजित पवार चूंकि पिछली बार गठबंधन का हिस्सा नहीं थे तो ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जहाँ से उनके विधायक थे, तो ऐसे वो चाहते थे कि जो सीटें वो जीते हुए वो सीटें अजित पवार गुट को दी जाए। ऐसे एकनाथ शिंदे भी NCP के दावे वाली कई सीटों पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो ऐसे में जो 23 से 24 सीटें थी जहाँ पेश फंसा हुआ था उसको लेकर बैठक हुई, उनमें ज़्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है, जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। आज देर रात या कल तक BJP अपनी दूसरी सूची भी जारी कर देगी। साथ ही साथ इस बैठक में अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो कि जिस दल को अगर कोई विधानसभा चाहता है उसको नहीं मिलती है तो कोई बागी खड़े हो जाए, यानी कि सख्त संदेश दिया गया कि बागी नहीं खड़े होने चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि NCP की तरफ से कोई बागी खड़े हो जाए। जो सिर्फ शिवसेना शिंदे को दी गई है या BJP को दी गई है वहाँ पर कोई शिंदे गुट से कोई बागी खड़ा हो जाए, ऐसे में गठबंधन का नुकसान नहीं हो, बागी कोई खड़ा ना हो, यह हर दल की जिम्मेदारी है कि बागियों को बढ़ावा न दिया जाए और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े और जीत कर रहे हैं। साथ ही साथ ठीक है हुआ कि एक कॉमन यानी कि साझा घोषणा पत्र महायुति की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आनंद पांडे हमें दे रहे हैं कि दूसरी सूची भी कल तक जारी हो सकती है। कौन सी वो सीटें हैं जो इस वक्त फंसी हुई है, और इससे कुछ बहुत बड़े मैसेज भी निकल करके आ रहे हैं। मेन सीट जो एक नाम बार बार आप सुनेंगे, कुछ सीटें जो कि अभी भी महायुति का सरदर्द बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं वो सीटें कौन सी है। पहली सीट वो है अनुशक्ति नगर। इस सीट के ऊपर अगर हम उन सीटों को देख सके, MVA नहीं, महायुति में जो सीटें फंसी हुई हैं उनमें अनुशक्ति नगर शामिल है। NCP अजीत पवार की पार्टी से नवाब मलिक की बेटी जो है सना मलिक वो उस सीट को लड़ना चाहती हैं। ये सीट BJP भी मांग रही है। मानखुद शिवाजी नगर सीट है, यहां से नवाब मलिक NCP अजीत की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये ऐसा लग रहा है समीर जी कि NCP अजीत पवार शायद इस वक्त वो कमजोर कड़ी है महायुति में। कई सारी सीटें सिर्फ अजीत पवार की पार्टी की वजह से फंसी हुई हैं और नवाब मलिक की वजह से। देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि जो भी अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाए इसमें अजीत पवार कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे। अजीत पवार जानते हैं कि उनका ज़्यादातर हिस्सा पश्चिम महाराष्ट्र का, और बम्बई की एक नवाब मलिक जैसे सीट है या बाबा सिद्दीकी वाली जो सीट है वहाँ पर जरूर उनका दावा रहेगा। लेकिन मेन पेज जो फंसा हुआ है वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे दरों से ज़्यादा दबाव और अनैतिक डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा सीट चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग विधायक की कुछ सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है।
वो कह रहे हैं कि ठाणे में आप उम्मीदवार खड़ा मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ठाणे में अपना कैंडिडेट दे दिया है, जो नन्न सिटी आई उसमें ठाणे सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। एकनाथ शिंदे के कहना है कि ठाणे मेरा क्षेत्र है, यहाँ से मेरा सांसद है, ये मेरे प्रभुत्व का क्षेत्र है, यहाँ मैं अपने उम्मीदवार उतारूंगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों ठाणे की सीट अपना छोड़ेगी? एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए कि मुझे 9500 सीटों पर चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपकी इतनी ताकत नहीं है। मुझे लग रहा है पेच यही फंसा हुआ है। अजित पवार कोई बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर नहीं निभाएंगे। अजित पवार जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे, कुछ भी होगा तो वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। एकनाथ शिंदे को किसी भी स्थिति में फिर से मुख्यमंत्री बनना है और वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के 105 और 110 एमएलए अगर आते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता रहे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे किसी भी स्थिति में अपनी सीटों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने विधायक लाना चाहते हैं। यही पेच फंसा हुआ है। अमित शाह जी ने आज इसलिए इन तीनों को दिल्ली बुलाया था और एकनाथ शिंदे से कहा गया होगा कि आपको 50-40 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बना दिया था, अब आपकी ताकत जितनी है उतनी सीटों पर आप लड़िए, बाकी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ हारने के लिए सीटें नहीं दी जा सकती। मुझे लग रहा है अंतिम समझौता यह होगा कि एकनाथ शिंदे को 75 से 80 सीटों पर कहीं एडजस्ट किया जाएगा, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे के कारण पूरा मामला पेच फंसा हुआ है। देखिए, अजित पवार ने तो अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर दी थी, अजित पवार को दिक्कत भी नहीं है। एकनाथ शिंदे चूंकि जिस जगह पर शिवसेना एकत्रित थी 2019 में, तो वो बंबई की भी उन सीटों पर दावा कर रहे हैं कि जहां पर पहले एकीकृत शिवसेना चुनाव लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी की कहना है कि नहीं, बंबई में कई सीटों में मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, संघ का स्वयंसेवक वहां बहुत अच्छे से मजबूती से काम कर रहा है, तो हम वो सीटें आपको नहीं दे सकते। और मुझे लग रहा है, और कौन कौन से वो सीटें अपने अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। अंधेरी ईस्ट, जिस पर दोनों बीजेपी शिवसेना यहां दावा कर रहे हैं, चेंबूर भाजपा और शिवसेना दोनों इस पर दावा कर रहे हैं, डिंडोशी ऐसी एक सीट है, कलीना है, वर्ली और साथ ही साथ वर्सोवा, यही है 5-6 सीटें। समीर जी, बिल्कुल बिल्कुल, वर्ली से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ते हैं, उनका उम्मीदवारी डिक्लेयर हो गई, वहां से एकनाथ शिंदे सीट मांग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, भारतीय जनता पार्टी वो छोड़ेगी नहीं। मुझे लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को सिर्फ अपने ठाणे और कोस्टल जो एरिया है, जो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी का जो एरिया है, उस एरिया में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकनाथ शिंदे अपना विस्तार चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि इसके बाद बीएमसी का चुनाव होने वाला है कॉरपोरेशन का, तो वो बंबई में भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जिससे बीएमसी में भी वो अपना मेयर बना सके और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सके। बताइए, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे को स्पेस ज्यादा नहीं देना चाहिए। आपके पास देवेंद्र फडणवीस जैसा सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ा नेता है और आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, एकनाथ शिंदे को उनकी जितनी ताकत है उतनी सीट देना चाहिए। महायुति की नैया को कौन डामाडोल कर रहा है? आप सुशील जी, मजा जी, समीर जी के राजनीतिक ज्ञान को मैं धन्यवाद और साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूँ। फडणवीस जी लोकप्रिय नेता है, किसी ने डिनाई नहीं किया, लेकिन एकनाथ शिंदे जी भी उतने लोकप्रिय नहीं है लोकप्रिय नहीं जितना आप बताना चाह रहे हैं। उनका भी एक संघर्ष जीवन रहा, उन्होंने भी एक सफलता के साथ महाराष्ट्र के पिछले 2.5 साल से नेतृत्व किया है, उसके पहले 15 साल तक लगातार मंत्री के रूप में अपने छवि बनाई है, तो ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे है और दोनों मिलके, दोनों में कोई मतभेद है नहीं। आप हम लोग यहाँ बैठ के बताना चाहेंगे मतभेद है, फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, एक बड़ी मजबूती के साथ एक टीम वर्क के रूप में पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए उन्होंने कई विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या कल्याणकारी योजना की है। अब सवाल कौन सा दल ये नहीं चाहता कि मुझे ज्यादा सीट मिले और मेरे ज्यादा विधायक नहीं आए, ये कौन सी बात हुई वो ज्यादा सीट मांग रहे, ये आपस में हम लोग, लेकिन उसके लिए हमारा सिर फुटबॉल नहीं हो रहा, हम आपस में सौहार्दपूर्ण बैठ करके एक शांति प्रिय तरीके से आपस में जिताऊ कैंडिडेट किस तरह से दे सके उसका फैसला, जैसे अभी आपने बताया उसका फैसला हो भी गया, कल तक घोषणा हो जाएगी। चलिए, तो सही जवाब, तो बार बार आपस में विवाद सीट के बंटवारों को लेके नहीं है, बार बार सीटों के विवाद की भी बात हो रही है, तो बार बार घूम के बात इस चीज पे आ रही है कि सिर फुटबॉल नहीं हो रहा है, कम से कम पब्लिक के सामने आकर के कोई ये नहीं कह रहा कि मैं नाना पटोले से बात नहीं करूंगा, मैं तो सीधे राहुल गांधी से आप बात करूंगा, मुझे इन सब स्टेट लीडर से आप बात मत करवाइए, जैसे कि संजय राउत ने बोला कांग्रेस के बारे में। नहीं, अब मैं फिर बोलूंगा, वो तू तू मैं हो जाती, मैं भारतीय जनता पार्टी में बोलूंगा, सुनने में तो ये भी आया, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या विधायक निकलता है तो लोग कहते हैं देखो देखो खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है, सुनते कहां है ये सब चीजें वैसे। बहरहाल इसके, लेकिन ये सब जो अंदर की खबरें आपको और किशोर तिवारी जी को आती है, मैडम मैं जब अभी महाराष्ट्र, ये मैडम मैं तो नागपुर जो है हो करके आया, रह करके भी आया, मेरा जो है नागपुर से बड़ा पुराना ताल्लुक है। अच्छा, तो बहरहाल इसके, नहीं तो ये बताइए ना कि जब शिवसेना बोल देती है, मेरे को याद है एक महीना पहले, एक महीना पहले
संजय राउत जी, एक तो रोज सुबह वो बाइट देते हैं, उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस बहुत व्यस्त पार्टी है, उनको बात करने का वक्त नहीं मिलता। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप जल्दी से समझौता कर ले वो सीट पे, क्योंकि चुनाव बहुत पास है। फिर जब डेट्स आ गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों से बात ही नहीं करनी, अब मैं सीधे सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा। तो यही सिर्फ उठावल है जो कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी कह रहे हैं हम नहीं करते, हम प्यार से बैठ के समझौता कर लेते हैं। देखिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी, सुनिए, जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी तमाम तरीके का प्रेशर, तमाम तरीके की टैक्टिक्स, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजमा करके देख ली। वो ना महाराष्ट्र में कामयाब हुए, ना उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए। जो बौखलाहट है कहां पर आ गर गए। अरे संजय राउत पे कौन सा प्रेशर है, कहां हो गई महाराष्ट्र के अंदर। संजय राउत अपने आप को बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, संजय राउत अपने हमारे दिल से दिल मिल चुके हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में दिल मिले हुए हैं और इसी तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं, दल से दल मिले हुए हैं, कैसे बैठकों में भाग हमारे आपस में दिल से दिल मिले हुए हैं और इनके दल से दल मिले हुए हैं और दल दल के अंदर जो कमल खिलाने की कोशिश कर रही है ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है। पद्मजा जी, अरे राउत अपने आप को भविष्य के मुख्यमंत्री देख रहे हैं, दिल से दिल मिले हैं, वहाँ दल से दल मिले हैं। अच्छा, दिल से क्या फर्क है भाई। शो समाप्त करने के लिए मैं 100 बात की यहाँ दिल से दिल मिले हुए हैं, वहां से दल से दल मिले हुए हैं और दल दल बना हुआ है, महाराष्ट्र को दल दल बना दिया है और उस दल दल के अंदर जो आपने हो गया हमारे बीच मतभेद हो सकता है 2024 में दिखा दिया आपको। ठीक है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जनता ने बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी शरद पवार की पहली लिस्ट हमारे पास आ गई है। तुहिन सिन्हा जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पहली लिस्ट एनसीपी शरद पवार की आ गई है, आप इसका अगर विश्लेषण कर सकते हैं। समीर जी, जयंत पाटिल इस्लामपुर से कंटेस्ट करेंगे, वो इन्हीं की सीटें वहीं से वो लड़ेंगे। जितेंद्र आवाड मुम्बरा से, बिल्कुल जितेंद्र आवाड बड़े नेता पार्टी के, मुम्बरा से रहे, मंत्री रहे, हाउसिंग मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस सरकार में, मुस्लिम वोट बहुत स्ट्रांग है वहां पर, मुम्बरा बड़े नेता है जितेंद्र आवाड, तो निश्चित रूप से वहां से लड़ेंगे। और बीच में तो उनका बड़ा विवाद भी हो गया था जब उनकी धर्मपत्नी ने कमेंट कर दिया था, लोग कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति। अनिल देशमुख कटोल से लड़ रहे हैं। हाँ, काटोल से लड़ेंगे, विदर्भ की सीट है। अनिल देशमुख गृहमंत्री रहे, विवादों में आए थे, जेल गए, इस्तीफा देना पड़ा उनको, शरद पवार के बहुत भरोसेमंद है, वो फिर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। रोहित पवार करजात से हैं, बिल्कुल रोहित पवार तो शरद पवार के भतीजे हैं, करजत से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 12 मार्च से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहित पवार एक अच्छे नेता है, भविष्य के मंत्री बन सकते हैं। और रोहिणी खड से, मुक्ताई नगर से, रोहिणी खड से जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं एकनाथ खड़से, उनकी बेटी है वो, बहू भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, केंद्र में मंत्री है मोदी मंत्रिमंडल में, बेटी एकनाथ खड़से जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही है और वह एकनाथ खड़से परिवार का गढ़ रहा है, तो वहां से वो जीतेगी। चलिए, तो ये लिस्ट पहली आ गई है तुहिन सिन्हा, यानी कि कुछ तो जो दरारें हैं वो भरी गई होंगी। आप 100 बात की एक बात बता रहे थे, पर कम से कम अब MBA ये कहेगी सब कुछ सुलट गया है, आप ज्यादा खुश ना हो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ आप परिणाम देखिएगा। देखिए, इन हमारे बीच मतभेद हो सकता है, इनके बीच मनभेद है, ये टूट सकते हैं, हम अटूट है, ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये क्या बार बार 2024 में जनता ने हमें सबक सिखा दिया, जनता ने इनको सबक सिखा दिया, तीसरी बार ये विपक्ष में बैठे हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन हम जो है मजबूती के साथ तीसरी बार और चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं, ये तीसरी बार विपक्ष में बैठे हैं, चौथी पांचवी बार भी विपक्ष में ही बैठे। अच्छा, योगेंद्र पवार बारामती से लड़ रहे हैं। और वो योगेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, अजीत पवार के लिए बहुत आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी वहां से हार गई थी, सुप्रिया सुले जीती थी, और ऐसी स्थिति में बारामती से बहुत बड़ी चुनौती अब अजीत पवार के सामने रहेगी। हालांकि अजीत पवार चुनाव जीतेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन तगड़ी चुनौती दी है, बहुत अच्छा उम्मीदवार वहां से शरद पवार ने उतारा है, योगेंद्र को उतार कर। चलिए, हाँ बताइए सैयद जवान। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी कटाक्ष कर रहे थे ट्विन सुना के, हमारे यहाँ जो है मतभेद हैं, मनभेद नहीं है, वो मनभेद जो है वो साफ नज़र आ रहे हैं। अभी छगन भुजबल के नज़र आए हैं, कुछ दिनों बाद शिंदे जी के नज़र आएंगे, और थोड़े दिन, 1 से 2 दिन अभी लिस्ट आने के बाद देखिए कि कैसा सिरपटौर होने जा रही है। और अगर महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे तो अभी नागपुर के अंदर भी होने जा रही है सिरपटौर। चलिए ठीक है, हम देखेंगे, आप बुला लीजिएगा 2-3 दिन के अंदर। बिल्कुल, अभी देखिए हमने रिजल्ट्स देख लिए, सब नेताओं ने अपनी बुकिंग कर ली है, सुशील व्यास जी ने बोल ही दिया है कि वो किशोर तिवारी को आकर के जवाब देंगे जिस दिन सारे वोट गिने जाएंगे। पर जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल है, मुझे पता नहीं कि अगर कोई भी पार्टी कह सकती है कि हम अटूट है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कम से कम हर पार्टी
टूट चुकी है बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके।